दोस्तों, आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा, पालक वाला लच्छा पराठा। देखिए कितना फ्लेकी सा बना है, तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। पालक वाले लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए दोस्तों, ये पालक है, मैंने इसको प्यूरे कर लिया है और इसमें थोड़ा पानी डाल लिया है इस तरीके से कि ताकि मुझे ये आटा लगाने में आसानी हो। थोड़ी सी रेड चिली और सॉल्ट, और इसके अलावा आप ग्रीन चिली डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए इसको पहले सूखा मिला लेते हैं इसमें सॉल्ट और चिली, और अब ये जो प्यूरे है ये डाल के और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। तो डो हमारा लग गया है और अब हम इसमें जरा सा घी का हाथ लगाएंगे और इसको आटे को लोच देंगे। तो आटा मैंने लगा दिया है दोस्तों, और देखिए ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट, नॉर्मल सा आटा जो होता है उससे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है हमें। और अब इसको रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ रही हूँ 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इससे अपने पराठे बनाएंगे। तो मैंने तवा रख दिया है दोस्तों, और अब जो है हम आटे की लेंगे लोई। तो मैंने ऐसे लोई ले ली है और हल्का सा आटा डस्ट कर लिया है इस पर, और मैं किचन काउंटर पे ही ज्यादातर रोटी बनाना पसंद करती हूँ। और इसको बेलेंगे, बहुत ज्यादा आटा नहीं लगाएंगे, जब तक बेलेगा बिना आटा लगाए तब तक बेलेंगे। बेल चुके हैं इसको दोस्तों, और अब हम इस पे अप्लाई करेंगे घी, ऑयल जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं, बट सुबह का टाइम होता है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा घी वगैरह से ही अच्छा सा नाश्ता बच्चों को कराया जाए। तो मैंने इस पर अच्छे से घी लगा दिया है, और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट। और इसको भी फैला लेंगे, और अब चाकू है मेरे पास, इस चाकू से मैं कट लगा रही हूँ। दोस्तों ये इतना सिंपल तरीका है लच्छा पराठा बनाने का, मैं बहुत सिंपल बहुत इजी तरीका है, तो बस आपने ऐसे कट लगा लेने हैं और उसके बाद इसको फोल्ड करते जाना है। बहुत आराम से बहुत प्यार से फोल्ड हो जाएगा ये। तो ये ऐसे फोल्ड हो गया, आप देख रहे हैं इसके लच्छे अभी निकल रहे हैं, और इसके बाद इसको आपने ऐसे घुमाना है, टर्न करना है, और ये जो है ये ऊपर वाला पार्ट इसको अंदर की तरफ दबा देना है, बस सिंपल। और अब वापस से सूखे आटे में लगाएंगे इसको और बेल लेंगे, हल्के हाथ से बेलेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना। बस, तो बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं। और अब इसको हम अपने तवे पर डाल देंगे। तो ये एक तरफ से हो गया, अब इसको पलट लेंगे और इस पर घी लगाएंगे। फिर पलटेंगे और दूसरी साइड भी घी लगाएंगे। ये होलसेम पराठा है दोस्तों, सब्जी भी हो गई और
रोटी भी हो गई, तो आप इसको अचार दही किसी भी चीज के साथ इंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर भी आ गया। दूसरी तरफ भी ऐसे ही गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें इसे सेकना है। तो ये हो गया है और देखिए इसके लच्छे भी निकलने स्टार्ट हो गए हैं। तो गैस को करते हैं सिम और इसको निकालते हैं प्लेट में। तो देखिए बात करते करते आपसे मैंने एक और बना लिया है और देखिए इसके भी लच्छे कितने अच्छे से खुलने शुरू हो गए हैं। तो हल्का सा इसको और क्रिस्पी करते हैं और फिर हम इनको करेंगे सर्व। तो देखिए दोनों पराठे हो गए हैं हमारे बनके तैयार और अब मैंने इनको सर्व किया और मैं आपको दिखाती हूँ इसके लच्छे, देखिए कितने परफेक्ट ये देखिए। तो है ना सिंपल और इजी। तो अब भी जब आपका मन करे कि लच्छा पराठा खाना है लेकिन लगे कि बनाना ट्रिकी है मुश्किल है, तो अब आप इस ट्रिक से बनाइएगा बहुत। देखिए कितने फ्लेकी फ्लेकी से ये देखिए अंदर तक, मैं आपको दिखाती हूँ एक एक लेयर देखिए खुलती चली गई है सारी लेयर्स। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।